दोस्तों सलाम अलैकुम, नमस्कार और जोहार। दोस्तों आज आप देखिएगा मैन वर्सेस वाइल्ड। सांप हमारे शत्रु नहीं है, ये हमारे पर्यावरण मित्र है, इसीलिए इसे बचे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों तो कल रात हमने एक रेस्क्यू किया है, इंडियन रेड स्नेक, नॉन वेनमस, लेकिन वो फाइट करता है। किस तरह हमसे वो लड़ता है ये वीडियो का आखिरी तक बने रहे, और आपका ध्यान आपके मोबाइल पर जमा हुआ रहना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। लोगों का कहना है कि ढामन सांप काटता नहीं है, लेकिन कुछ कुछ ढामन इतना ही उग्र रूप ले लेता है कि वो लोगों को काटने पर मजबूर हो जाता है। तो वीडियो का आखिरी तक बने रहे। अब इस ढामन पर, मूल मंच पर अब ढामन सांप हमारा आ रहा है, ठीक उग्र रूप लेकर के। देखिए दोस्तों, आम ढामन सांप ने ये चाहे तो हमें काट सकता है, दौड़ा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सांप हमसे ज्यादा डरा हुआ है, लेकिन अटैक तो करना इसका नेचर है। तो दोस्तों वीडियो का आखिरी तक बने रहे, फिर वो वार करेगा। इसी को कहते हैं मैन वर्सेस वाइल्ड, और स्नेक मैन से किस तरह फाइट कर रहा है। फिर वो वार करना चाहेगा और हमको बचना है। वो ठोड जब फुलाता है तो समझ लो उसका वार का मूवमेंट हो गया है, फिर वो वार करेगा। वार करेगा, वाह बहुत प्यारा। अगर हम इससे डर गए तो फिर हम स्नेक हैंडलिंग नहीं कर सकते। इसे डरना नहीं है, ये हमारे पर्यावरण मित्र हैं, और इसे पर्यावरण में बचे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फिर एक बार आप वार कीजिए। बहुत प्यारा सांप है, बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल स्नेक, और लोग हमें स्नेक मैन के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम सांपों को बचाने के लिए काम करते हैं। और हमारा 30 ईयर्स ओल्ड एक्सपीरियंस है कि ये हमें नहीं काटेगा, सिर्फ हमें डरा रहा है। और इससे अगर हम डर गए तो फिर हम सांप छूना ही बंद कर देंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है सांपों को इंसानों से बचाना, और इंसानों को सांपों से बचाना। तो फिर दोस्तों और एक बार आप लाइव देखिए, उग्र रूप। मनुष्य का अगर उग्र रूप हो जाए तो पिस्टल लेके एक दूसरे पर मार देता है, लेकिन सांप ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारे पर्यावरण मित्र है। इसके पूंछ को हम छुएंगे तो वो फिर रिवर्स काटने की मुद्रा में आ जाएगा, ध्यान रहे। बहुत प्यारा सांप है, बहुत ही प्यारा सांप है, बहुत ही प्यारा है। वीडियो का आखिरी तक बने रहे दोस्तों। हम इस सांप को हम सैल्यूट करते हैं कि हमारा लाइफ में ऐसा स्नेक नहीं मिला हमें, इसीलिए इस सांप को हम बार बार नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। वर्ल्ड का कोई सांप दूध नहीं पीता है। 17/8/2018 झारखंड बंगाल फेस्टिवल मनसा पूजा। वर्ल्ड का कोई भी सांप का जीभ फटा होता है जो शॉकिंग नहीं कर सकता है, और सांपों के शरीर के अंदर हड्डियां नहीं होती है, इसीलिए दूध को हजम नहीं कर सकता, और दूध में कैल्शियम है। भूलवश सांपों के मुंह में दूध ना डालें, अगर दूध डाल देते हैं तो इससे क्या होता है, वोमिटिंग होगा, निमोनिया होगा, बुखार आएगा और सांप डेथ कर जाएगा। इसीलिए भूल से भी सांप के मुंह में दूध ना डालें। तो हम चाहेंगे कि और एक बार लास्ट ये हमसे फाइट कर ले, फिर इसे हम रेस्क्यू करके पुनर्वास हेतु इसे पंचित फॉरेस्ट में छोड़ देंगे, ताकि इसका लाइफ आराम से जंगलों में कट जाए। तो दोस्तों सांप घरों में ना आ जाए, इसके लिए ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाइए, गाछ लगाइए, पेड़ लगाइए, पौधा लगाइए। सेव ट्री सेव लाइफ, सेव ड्राइव सेव लाइफ। बेटी बचाइए और बेटी को पढ़ाइए। तो हम चाहेंगे कि एक बार वो फिर से काटने की मुद्रा में आ जाए। बहुत ही खूबसूरत, ये वार वाकई मन को खुश कर दिया है दोस्तों। अब ये वार नहीं करेगा,
अभी वार नहीं करेगा, ये बिल्कुल शांत पड़ गया है, चूंकि सांप पर ही मेरा पढ़ाई लिखाई। यंग यूथ से आग्रह है, हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा नकल ना करें, और नहीं तो ये जानलेवा होगा। बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए सांपों का हैंडलिंग ना करें, और नहीं तो ये कौन लेवा होगा, जानलेवा होगा। जय हिंद, जय भारत।